Dear students, we are going to start the lecture of energy management and conservation, lecture number 13.4, and the topic is fan performance assessment. So fan performance assessment ke liye kin kin cheezon ki zarurat hogi aur kaun kaun si requirements measurement ke hawale se hongi unke bare mein dekh lete hain. The fans are tested for field performance by measurement of flow, temperature on the fan side और इसके अलावा electrical motor kilowatt input on the motor side. तो ये चीज़ें importance हैं इसमें. performance जो है वो test की जाती हैं fields में with respect to the measurement of airflow, temperature on the fan side और इसके अलावा जो electrical motor kilowatt जो power होती है input जो के motor side पर होगी. तो airflow measurement की जो है वो बात कर लेते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो प्रेशर होते हैं. पहला प्रेशर जो है वो स्टैटिक प्रेशर है. तो जो स्टैटिक प्रेशर है ये क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जिस चीज़ का हम प्रेशर चेक करने जा रहे हैं उसका डिफरेंस होगा इनसाइड एंड आउटसाइड स्टैटिक प्रेशर. उसको हम कहेंगे डिफरेंस को कि दिस इज द स्टैटिक प्रेशर. इट इज़ गिवन अप टू फ्रिक्शन इन द डक्ट्स. जो कि डक्ट्स के अंदर जो फ्रिक्शन है उसके हिसाब से भी इसको चेक किया जा सकता है. एंड एट द डक्ट इनलेट्स एज इट इज़ कन्वर्टेड टू वेलोसिटी प्रेशर्स. क्योंकि जो डक्ट्स की इनलेट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वेलोसिटी प्रेशर्स पर. द स्टैटिक प्रेशर देयरफॉर कैन इंडिकेट हाउ स्ट्रॉन्ग अ फैन इज. इससे अंदाज़ा होगा कि फैन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है एंड हाउ गुड इट इज़ ओवरकमिंग रेजिस्टेंस. और हम ये देख पाएंगे कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वो कितना बेहतर है. तो इसलिए स्टैटिक प्रेशर जो है वो किसी भी फैन का बहुत इम्पोर्टेंस है इन द एयर फ्लो. एग्जांपल देखें कि व्हेन एग्जॉस्ट फैन रन्स. हम ये कहते हैं कि जब एग्जॉस्ट फैन जो है वो घर में इस्तेमाल हो रहा होता है तो इट क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर इन द हाउस. तो वो घर से नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट्स करता है क्योंकि अंदर की जो एयर है उसको वो एग्जॉस्ट करता है आउटसाइड. तो इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर डिफरेंस. तो ये जो दो डिफरेंस होंगे क्योंकि हमने जो बात की थी इनसाइड एंड आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर डिफरेंस इसको हम कहेंगे स्टैटिक प्रेशर. राइजेस ये बढ़ेगा एंड अलाउज टू मूव द एयर इन टू द हाउस. तो इससे ये होगा कि जो एयर है वो घर के अंदर भी दाखिल हो पाएगी और अगर हम चाहें तो उसको एग्जॉस्ट को दोनों तरीक़ों से चला सकते हैं कि अंदर की जो एयर है उसको वो सक करके बाहर की साइड पर भी घर की निकाल सकता है. तो अगर हम सिंपल सी ये बात करें कि एग्जांपल लें कि एक बकेट ऑफ वाटर है और वो बकेट ऑफ वाटर जो भरी हुई है और उसके ऊपर वाली जो साइड है सबसे ऊपर जहाँ पर पानी की सतह है उस सतह पर पानी का जो प्रेशर होगा उस बकेट पर टुवार्ड्स डाउनवर्ड तो उसको हम कहेंगे दैट वन इज अ स्टैटिक प्रेशर. और वो स्टैटिक फॉर्म में है और किसी फॉर्म में भी वो हिल नहीं रहा होगा लेकिन उसका एक प्रेशर होगा जो कि टुवार्ड्स डाउनवर्ड होगा. और क्योंकि वो स्टैटिक पोजिशन में होगी बाल्टी के जो पानी है तो उसको हम कहेंगे दैट वन इज अ स्टैटिक प्रेशर. द सेकंड वन इज द वेलोसिटी प्रेशर. सो वेलोसिटी प्रेशर इज द प्रेशर अलोंग द लाइन ऑफ द फ्लो दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एयर फ्लोइंग थ्रू द डक्ट. जो डक्ट के अंदर जो एयर फ्लो होती है ठीक है और वो जो लाइन ऑफ फ्लो रिजल्ट्स होगी उसको हम कहेंगे कि दिस वन इज द वेलोसिटी प्रेशर. द वेलोसिटी प्रेशर इज यूज्ड टू कैलकुलेट एयर वेलोसिटी. जो वेलोसिटी प्रेशर है इससे हम एयर की वेलोसिटी जो है वो चेक कर पाएंगे. वेलोसिटी प्रेशर इज द प्रेशर कॉज्ड बाय एयर इन मोशन. वो जो एयर इन मोशन होगी उससे वेलोसिटी के जो प्रेशर है वो निकाल पाएंगे हम. और इसके अलावा इसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि इट इज़ वेलोसिटी प्रेशर दैट वी फील व्हेन द विंड ब्लोस. हम फील करते हैं कि जब हवा चल रही हो और हमारे जिस्म के साथ जब वो टच कर रही होती है तो वो वेलोसिटी प्रेशर होती है. फास्टर एयर स्पीड्स क्रिएट ग्रेटर वेलोसिटी प्रेशर्स. जितनी ज़्यादा स्पीड होगी
उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा जो कि वेलोसिटी की टर्म में हम उसको काउंट करेंगे। अब थर्ड देख लेते हैं, दैट वन इज द टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द स्टैटिक एंड वेलोसिटी प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो जो स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर को जब हम सम करें तो हम टोटल प्रेशर को हासिल कर पाएंगे। दिस प्रेशर कैन चेंज एज द एयर फ्लोज थ्रू डिफरेंट साइज डक्ट्स। तो ये प्रेशर चेंज होंगे एयर फ्लोज के अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइज की जो डक्ट्स होंगी उनके हिसाब से ये प्रेशर भी कॉमन सी बात है चेंज होंगे। एक्सेलरेटिंग एंड डिसेलरेटिंग द वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी है उसकी एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन में की वजह से भी, और टोटल प्रेशर स्टेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, और जो टोटल प्रेशर होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, चेंज इज ओनली दी फ्रिक्शन लॉसेस, जो फ्रिक्शन लॉसेस होंगे वो ही चेंज हो सकेंगे। फैन फ्लो इज मेजर्ड यूजिंग पायलट ट्यूब मैनोमीटर कम्बिनेशन। जो जो भी हवा की फ्लो है मतलब एयर फ्लो है उसको मेजर्ड किया जा सकता है पायलट ट्यूब मैनोमीटर से कम्बिनेशन के साथ होगा वो, पायलट ट्यूब प्लस मैनोमीटर कम्बिनेशन, या हम ये कह सकते हैं और अ फ्लो सेंसर जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जो टू साइड्स का फ्लो जो है वो मेजरमेंट करेगा और बताएगा कि एयर का फ्लो जो है वो कितना है, और एन एक्यूरेट एनेमोमीटर, और इसके अलावा कोई एनेमोमीटर एक्यूरेट हो सिंपल उसको भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द डायग्राम, ठीक है, ऑफ डिफरेंट प्रेशर्स जो कि मैनोमीटर की रीडिंग जो हैं वो डायरेक्टली बता रहा है इन पास्कल्स। द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, हम नोट कर रहे हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, एंड यू हैव टू सी दैट कि देर इज नो इनसाइड ट्यूब गोइंग टू द एयर फ्लो डायरेक्शन। सो एट दिस पॉइंट the static pressure will be calculate. So हम देख सकते हैं कि इस point पर जो भी pressure आएगा that is the static pressure. और जब हम total pressure की बात करें तो total pressure पर the difference is that a tube is inside the duct जहाँ पर air flow की direction है, ठीक है। तो this is the total pressure जिसको हम calculate करेंगे from this point, और वेलोसिटी प्रेशर जो है वो ये होगा कि वन साइड इज इन द एयर फ्लो डायरेक्शन एंड द सेकंड साइड इज जस्ट लाइक द ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द स्टैटिक एंड वेलोसिटी प्रेशर। तो थोड़ा सा और देखें इसके बारे में कि प्रेशर मेजरमेंट में अगर हम स्टैटिक प्रेशर की बात करें तो फ्लो की डायरेक्शन ये है और ये एक स्विच है, ठीक है, ट्यूब का एक स्विच है, या हम ये कह लें कि यहाँ से हमने मेजरमेंट करनी है स्टैटिक प्रेशर की। तो अब नोट करें कि स्टैटिक प्रेशर जो है वो दिस पॉइंट पर मेजर्ड होगा, देयर इज नो ट्यूब इनसाइड, और टोटल प्रेशर होगा वो किस तरीके से मेजर होगा कि ये ट्यूब है और दिस इज द इनसाइड ट्यूब जिसको हम कहेंगे पीटी। अच्छा, अब क्या होगा, जो वेलोसिटी प्रेशर है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो वेलोसिटी प्रेशर है वो डिफरेंस होगा स्टैटिक प्रेशर का और टोटल प्रेशर का, हम उसको क्या कहेंगे, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ इस सिस्टम में देखें तो दिस इज द स्टैटिक प्रेशर हेयर पी ऑफ एस, और ये जो ट्यूब जा रही है उसके बाद इस साइड पर आकर, एंड दिस इज द वेलोसिटी प्रेशर, इस साइड पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी प्रेशर है पी वी, और उसके बाद ये वेलोसिटी प्रेशर का एक एरिया जो है वो जहाँ कनेक्ट है जस्ट लाइक दिस वन, एंड द सेकेंड एरिया इज जस्ट लाइक द फ्लो डायरेक्शन में कनेक्ट है जिसको हम कह रहे हैं कि दिस वन, और इस तरीके से ये जो टोटल प्रेशर काउंट होगा और स्टैटिक प्रेशर और यहाँ टोटल और दरमियान में वेलोसिटी प्रेशर। तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी प्रेशर इज इक्वल टू पी ऑफ टी टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो वेलोसिटी प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस स्टैटिक प्रेशर, इस तरीके से भी इसको हम डिफाइन कर
कर सकते हैं। अच्छा, केयर नीड्स टू बी टेकन रिगार्डिंग नंबर ऑफ ट्रेवर्स पॉइंट्स। ट्रेवर्स पॉइंट के हिसाब से हमें जो है वो केयर देखनी है और वो क्या है और ट्रेवर्स पॉइंट्स जो हैं वो हम क्यों लेते हैं। और ये जो ट्रेवर्स पॉइंट्स हैं ये डक्ट के लिए जाते हैं और इसको हम कह सकते हैं कि डक्ट ट्रेवर्स जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं, नंबर्स होते हैं डिफरेंट और रेगुलरली स्पेस्ड एयर वेलोसिटी के हिसाब से और प्रेशर मेजरमेंट्स थ्रू अक्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रेट डक्ट। ध्यान में रखेंगे जो स्ट्रेट डक्ट होगी उसके अंदर मेजरमेंट्स होंगी क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से और उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड एरियाज को एयर वेलोसिटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसको स्ट्रेट लेंथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया में एयर फ्लो को चेक कर लिया जाता है। और इसके अलावा स्ट्रेट लेंथ सेक्शन जो हैं वो अपस्ट्रीम्स एंड डाउनस्ट्रीम्स ऑफ मेजरमेंट लोकेशन के हिसाब से होने चाहिए ताकि टू अवॉइड टर्बुलेंट फ्लो रिजिमीज ऑफ द मेजरमेंट्स। और द मेजरमेंट्स कैन ऑन बी सक्शन और डिस्चार्ज साइट। जो मेजरमेंट्स हैं वो दोनों साइड्स पर हो सकती हैं, सक्शन साइड पर भी हो सकती हैं और डिस्चार्ज साइड ऑफ द फैन एंड प्रेफरेबली बोथ वर फिजिबल। और जहां पर भी की जा सकती हैं, जहां पर फिजिबिलिटी हो या दोनों जगह पर भी की जा सकती हैं। अच्छा, पायलट ट्यूब के हिसाब से जैसे हमने देखा बात की कि पायलट ट्यूब जो है वो मेजरमेंट करता है एयर फ्लो की। द फिगर शोज हाउ वेलोसिटी प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग ए पायलट ट्यूब एंड मैनोमीटर। क्योंकि पायलट ट्यूब के अंदर जो है एक सिस्टम जो लगा होता है वो होता है मैनोमीटर का और मैनोमीटर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मैनोमीटर हो सकते हैं। तो टोटल प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग द इनर ट्यूब ऑफ पायलट ट्यूब। तो टोटल प्रेशर क्या करेंगे वो चेक होगा, ये यहाँ से आगे एक इनर ट्यूब आ रही है, इस इनर ट्यूब के थ्रू टोटल प्रेशर चेक करेंगे। एंड स्टैटिक प्रेशर इज मेजर यूजिंग द आउटर ट्यूब ऑफ पायलट ट्यूब। तो ये आउटर ट्यूब है, इस एरिए से हम कह सकते हैं कि स्टैटिक प्रेशर मालूम किया जा सकेगा। व्हेन द इनर एंड आउटर ट्यूब एंड्स आर कनेक्टेड टू ए मैनोमीटर। तो अब क्या होगा कि जब इनर ट्यूब एंड आउटर ट्यूब आर कनेक्टेड विद अ मैनोमीटर सो वी गेट द वेलोसिटी प्रेशर। तो अब हम क्या करेंगे, टू दिस पॉइंट वी गॉट द वेलोसिटी प्रेशर। फॉर मेजरिंग लो वेलोसिटीज इट इज प्रेफरेबल टू यूज एन इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर इंस्टेड ऑफ यू ट्यूब मैनोमीटर। इंक्लाइंड जो है उसको यूज किया जाए विद रिस्पेक्ट टू द यू, क्योंकि ड्यू डिफरेंशियल रीडिंग स्केल्स अलॉन्ग द ट्यूब कैन बी मेड लार्ज। इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर में जो डिफरेंशियल रीडिंग स्केल है उसको ट्यूब के लार्ज या बड़ा रखा जा सकता है। फैन एफिशिएंसी की बात कर लें कि फैन एफिशिएंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। फैन मैन्युफैक्चरर्स जनरली यूज टू वेज टू मेंशन फैन एफिशिएंसी। एक है मैकेनिकल एफिशिएंसी जिसको हम कह सकते हैं सम टाइम्स कॉल द टोटल एफिशिएंसी और दूसरी है स्टैटिक एफिशिएंसी। नंबर वन इज मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड द नंबर टू इज स्टैटिक एफिशिएंसी। बोथ मेजर हाउ वेल द फैन कन्वर्ट्स हॉर्स पावर इनटू फ्लो एंड प्रेशर। ये दोनों एफिशिएंसी जो हैं ये कन्वर्ट करके हॉर्स पावर और को कन्वर्ट करेंगी और बताएंगी कितना बेहतर फ्लो और प्रेशर है। द इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग मैकेनिकल एफिशिएंसी इज फैन मैकेनिकल एफिशिएंसी वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर इन मिलीमीटर वाटर गेज और डिवाइड बाई 102 मल्टीप्लाई बाई पावर इनपुट टू द फैन शाफ्ट इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 100। सो फैन मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट की जा सकती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, द स्टैटिक एफिशिएंसी इक्वेशन इज द सेम एक्सेप्ट दैट द आउटलेट वेलोसिटी प्रेशर इज नॉट एडेड टू द फैन स्टैटिक प्रेशर। तो अब इसमें वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर सेकेंड और मल्टीप्लाई बाई स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर आएगा फॉर द स्टैटिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी में टोटल प्रेशर ऐड हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एफिशिएंसीज। सो डिवाइड बाई 102 इज अ फॉर्मूला एंड पावर इनपुट टू द फैन शाफ्ट इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 100।
फैन परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है वो देख लेते हैं कि वो क्या है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैंस, एफ डी फैन एंड आई डी फैन। तो मिनिमाइजिंग एक्सेस एयर लेवल इन कंबस्टन सिस्टम टू रिड्यूस एफ डी फैन एंड आई डी फैन लोड के असेसमेंट इस तरह की जाए कि मिनिमाइज एक्सेस एयर लेवल कंबस्टन सिस्टम्स के अंदर, लोड जो है ना उसको कम किया जाए एफ डी फैन का और आई डी फैन का। एफ डी फैन जो है ये इट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, और ये फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन ये इट्स सप्लाई प्रेशराइज एयर टू द सिस्टम। ये जितने भी सिस्टम्स हैं उसके अंदर ये प्रेशराइज एयर जो है वो प्रोड्यूस करता है, और ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बॉयलर्स में, असम्बलीज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आई डी फैन जो है दैट वन इज़ द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, तो ये उन सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है जस्ट लाइक स्टीम बॉयलर्स, थर्मल ऑयल हीटर्स वगैरह में। और ये एक्चुअली जो है उसको हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर या वैक्यूम प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्रिएट करता है वैक्यूम ऑफ नेगेटिव एयर प्रेशर, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये रिमूव कर सकता है डेंजरस गैसेस जस्ट लाइक फ्ल्यू गैसेस फ्रॉम दी कंबस्टन चैम्बर्स। तो मिनिमाइजिंग एयर इन लीक्स इन हॉट फ्ल्यू गैस पाथ टू रिड्यूस आई डी फैन लोड, के जो एयर लीक्स होती हैं हॉट फ्ल्यू गैसेस पाथ की उनको रिड्यूस किया जाए ताकि आई डी फैन लोड जो है वो भी कम हो जाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ किल्न्स, बॉयलर प्लांट्स, फर्नेसेस एट्सेट्रा। ये जो किल्न्स हैं इसकी हम अगर बात करें तो दैट वन इज जस्ट लाइक ओवन, जिसके अंदर जो है वो फर्नेस टाइप का एक ओवन होता है कि जिसमें बेकिंग की जा सकती है, और इसके अलावा फर्नेस हम इसको कह सकते हैं या ओवन कह सकते हैं फॉर दी बेकिंग, बर्निंग या ड्राइंग करने के लिए, मतलब ड्राइंग खुश्क करने के लिए फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स। बॉयलर प्लांट और फर्नेसेस हो गई। कोल्ड एयर इन लीक्स इंक्रीज आई डी फैन लोड ट्रिमेंडसली। जो कोल्ड एयर अगर लीक्स हो जाए तो उससे नुकसान ये होगा कि आई डी फैन का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसकी वजह ये होगी क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज़ होगी फ्लू गैसेस की, और उससे जो कैपेसिटी होगी फैन की वो चोक हो जाएगी, तो रिजल्टिंग एज अ बॉटल नेक फॉर बॉयलर एंड फर्नेस इट सेल्फ। तो वो नुकसान उसका ये होगा कि बॉटल नेक होगा फॉर द बॉयलर एंड फर्नेसेस। इन लीक्स या आउट लीक्स इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स ऑल्सो हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन एनर्जी एफिशेंसी एंड फैन पावर कंजप्शन नीड टू बी मिनिमाइज। इन लीक्स का मतलब है कि इनसाइड, आउट लीक्स का मतलब है कि आउटसाइड, के आउटसाइड लीक हो रही है, और इन लीक्स का मतलब है कि इनसाइड की तरफ लीक हो रही है। द फाइंडिंग्स ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट ट्रायल्स विल ऑटोमेटिकली इंडिकेट पोटेंशियल एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट विच कुड बी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स, के परफॉर्मेंस असेसमेंट को जो के इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट जो हैं वो मेथड यूज किए जा सकते हैं, एक या उनसे ज़्यादा। तो चेंज ऑफ इम्पेलर बाई ए हाई एफिशेंसी इम्पेलर अलॉन्ग विथ कोन, जो इम्पेलर है उसको चेंज किया जाए हाई एफिशेंसी इम्पेलर से, और जो कोन उसका फ्रंट एंड का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं। चेंज ऑफ फैन असम्बली एज अ होल बाई ए हायर एफिशेंसी फैन, कि पूरी असम्बली को चेंज कर दिया जाए फैन की, और वहाँ पर हाई एफिशेंसी फैन जो है उसको लगा दिया जाए ताकि जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो सके। इम्पेलर डी रेटिंग बाई ए स्मॉलर डाया इम्पेलर, कि चेंज कर दिया जाए स्मॉलर डाया इम्पेलर से। चेंज ऑफ मेटेलिक ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक इम्पेलर, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है मेटेलिक की और ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक जो हैं इनको चेंज कर दिया जाए बाय द मोर एनर्जी एफिशिएंसी, जिनको हम कह सकते हैं FRP इम्पेलर, जो कि फाइबर ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक्स हैं। तो आजकल के दौर में आप देख सकते हैं कि ये जो एयर कूलर्स जो हम घरों में देखते हैं जस्ट लाइक बॉस के एयर कूलर्स हैं या और जो कंपनीज हैं, तो उनके जो फैन के जो इम्पेलर हैं तो वो देखें कि वो FRP के बने हुए हैं, फाइबर ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक है। दैट वन इज मच लाइटर इन वेट, और एयर की जो थ्रू है एयर फ्लो वो भी ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर भी ज़्यादा है एयर का, और उसका फ़ायदा ये है कि बिजली जो है कंजप्शन जो है वो भी कम हो गई।
आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो इट्स वेरी फेमस कूलर्स जस्ट लाइक लाहौरी कूलर्स, तो उनके जो मोटर्स हैं वो 4 to 4.5 एम्पेयर्स करंट लेती थी। उसकी वजह ये है क्योंकि दैट इंक्लूड्स ऑल्सो अ इम्पेलर ऑफ मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक उस पर इम्पेलर जो है वो यूज़ हुआ था, और उसकी वजह से एफिशिएंसी भी कम थी। तो अब जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से फाइबर ग्लास रिइंफोर्स प्लास्टिक जो है उसको लगा दिया जाए एयर फॉयल डिज़ाइन के साथ इन केस ऑफ एक्सल फ्लो फैंस वेयर सिग्निफिकेंट सेविंग हैव बीन रिपोर्टेड। और हम देख पा रहे हैं कि इससे सिग्निफिकेंट जो सेविंग्स हैं वो हो रही हैं और ऑलरेडी इंडस्ट्री में और मार्केट में अवेलेबल हैं। फैन स्पीड रिडक्शन बाय पुली डाया मॉडिफिकेशन फॉर ड्यूरेटिंग के पुली के साथ अगर हम पुली के साइज को चेंज किया जाए, उसकी मॉडिफिकेशन की जाए, तो उससे फैन स्पीड जो रिडक्शन है वो भी हो सकती है और डी रेट भी उससे किया जा सकता है। ऑप्शन ऑफ टू स्पीड मोटर्स और वेरिएबल स्पीड ड्राइव फॉर वेरिएबल ड्यूटी कंडीशंस के टू स्पीड मोटर्स या वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स को यूज कर लिया जाए फॉर वेरिएबल ड्यूटी कंडीशंस। इसका फायदा यह होता है कि वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट ऑफ द कंडीशन वो एयर फ्लो को भी और प्रेशर को भी मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट फ्लैट बेल्ट्स और रॉ एज्ड वी बेल्ट्स इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल वी बेल्ट्स। ये जो वी बेल्ट्स हैं ये यूज की जा सकती हैं फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट जिसे कहते हैं लोड्स, और ये हमारे पास बहुत अरसे से इस्तेमाल होती आ रही हैं और हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पजेज, फॉर द डिफरेंट गाड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं और लोड ड्रिवन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से रॉ एज्ड वी बेल्ट जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती है, इनके एज जो हैं वो खुरदरे हों और डिफरेंट थोड़े से ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में कन्वेंशनल से थोड़े से डिफरेंट होंगे फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन लॉसेस। तो ट्रांसमिशन लॉसेस से बचने के लिए ये दो टाइप्स के जो है एनर्जी एफिशिएंट फ्लैट बेल्ट से यूज कर लिए जाए। फ्लैट बेल्ट बिल्कुल फ्लैट होते हैं और रॉ एज्ड होते हैं वी बेल्ट। अडॉप्टिंग इनलेट गाइड वेन्स इन प्लेस ऑफ डिस्चार्ज डैम्पर कंट्रोल। तो डिस्चार्ज डैम्पर कंट्रोल जो आउटलेट पे लगे होते हैं जस्ट लाइक एयर कूलर्स के अंदर हम देखते हैं आउटसाइड पे जो लगे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि इनलेट गाइड वेन्स जो हैं वो यूज़ कर लिए जाएं, वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं। मिनिमाइजिंग सिस्टम रेजिस्टेंस एंड प्रेशर ड्रॉप्स बाय इंप्रूविंग इन डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम के अंदर कोशिश की जाए कि टर्न्स कम से कम हों और उसके अलावा एल्बोज और इस तरह की चीज़ें कम होंगी तो प्रेशर ड्रॉप भी कम हो जाएगा, और जो लेंथ है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट होने से एयर फ्लो जो है उसमें रेजिस्टेंस कम से कम आएगी और प्रेशर ड्रॉप भी कम होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ़ैन को जो लोड होगा, जो उसकी लोड की यूँ कह लेंगे कैलकुलेशन है, वो उस पर अकॉर्डिंगली पूरा कर पाएगा। तो अब एक केस स्टडी है छोटी सी, ये देख लेते हैं कि ये क्या है कि FRP फैंस इन कूलिंग टावर्स और ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट्स में अगर यूज़ किए जाएं तो उनकी क्या रेटिंग्स आती हैं। द फैंस यूज फॉर कूलिंग टावर एप्लीकेशंस आर यूजली एक्सल फ्लो फैंस यूज किए जाते हैं। सच फैंस आर ऑल्सो कॉमनली यूज इन ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट्स। द कन्वेंशनल फैंस आर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम स्टील। जो कन्वेंशनल फैंस हैं उनको एल्यूमिनियम या स्टील से बनाया जाता है, जबकि जो मॉडिफिकेशन फैंस हैं और कूलिंग टावर्स में उन वहाँ पर FRP जो है वो यूज़ किए जाते हैं। दीज फैंस आर बीइंग रिप्लेस्ड इन रिसेंट टाइम्स बाय हाई एफिशिएंसी FRP फाइबर इन्फोर्स प्लास्टिक फैंस। द सेविंग पोटेंशियल इज शोन। अगर हम देखें कि फ़ैन डाटा में कूलिंग टावर फैन में 24 फिट का अगर हम ये कहें कि फ़ैन यूज़ हुआ हुआ है, तो A1 फैन जो है ये कन्वेंशनल फैंस हैं जो कि एल्यूमिनियम और स्टील के हिसाब से, तो एयर फ्लो अगर हम देख सकें तो इसका और FRP फैन का तो हमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है। और प्रेशर जो है वो देखें इसका कम है, ये ज़्यादा हैंडल कर सकता है। इनपुट पावर जो है वो देखें बहुत ज़्यादा है, 68 और इसकी 44 है, और सेविंग जो है वो तकरीबन 35.29% बनती है। और इसी तरीके से डिफरेंट फैंस की रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं, और ह्यूमिडिफिकेशन फैंस में हम यहाँ पर डिफरेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परसेंटेज है वो बेहतर हो रही है फॉर द FRP फैंस, और पावर इनपुट भी देखें इम्प्रूवमेंट है,
और एफिशिएंसी जो है, परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग जो है वो भी बढ़ रही है फॉर द यूजेज ऑफ एफ आर पी फैंस, और पावर सेविंग की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है। और स्टैटिक प्रेशर जो मिलीमीटर वाटर गेज में हमें अवेलेबल है यहाँ पर, वो भी हम देखें तो वो भी बेहतर है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि सेविंग पोटेंशियल अगर एफ आर पी फैंस यूज़ किए जाएं इंपेलर से तो वो ज़्यादा बेहतर होगी विद रिस्पेक्ट टू दी कन्वेंशनल एलुमिनियम या स्टील फैंस। तो थैंक यू।